नजफगढ़ को केजरीवाल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सीवर लाइन डालने के कार्य की आज से शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गहलोत और सत्येंद्र जैन ने किया है। अब नजफगढ़ की 102 कॉलोनियों और 16 गांवों में सीवर लाइन डाले जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नजफगढ़ को केजरीवाल सरकार की बड़ी सौगात, सीवर लाइन डालने के कार्य की शुरुआत। कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन ने किया शुभारंभ। नजफगढ़ के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अब केजरीवाल सरकार ने बड़ी बड़ी सौगातें दी। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन आज नजफगढ़ के ढांसा स्टैंड पहुंचे और उन्होंने सीवर पाइपलाइन का शुभारंभ किया। अब नजफगढ़ की 102 कॉलोनियों और 16 गांवों में सीवर लाइनें डाली जाएंगी। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा किया है, दिल्ली का विकास हुआ है। अगर MCD की भी कमान आम आदमी पार्टी के हाथों में आती है तो दिल्ली में और ज्यादा विकास किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार CM अरविंद केजरीवाल जी को चुन के दिल्ली को हर क्षेत्र में, मेरे ख्याल से पूरे देश में अगर हम किसी भी चीज की बात करें, चाहे वो पानी की सुविधा हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, तो जिस प्रकार से आपने एक ईमानदार सरकार को चुना, आगे आने वाले जो MCD के चुनाव हैं उसमें अगर हमें दिल्ली को और बेहतर बनाना है, अगर आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ अगर और मजबूत करने हैं तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। वो शक्ति, वो ताकत वो आपके हाथ में है, तो MCD में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आप लेके आते हो तो जिस प्रकार से हमने बाकी चीज़ों में अच्छा काम किया तो MCD में भी बहुत बढ़िया काम हम करके दिखाएंगे। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 350 किलो सीवर लाइन पाइप डालने का काम शुरू हो रहा है। वहीं उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये काम करने में पूर्व की सरकारों को 10 साल लगते थे, लेकिन केजरीवाल सरकार में एक साल में इसे पूरा किया जाएगा। आज मुझे लगता है इतिहास का एक इतना बड़ा दिन है, कभी भी दिल्ली में क्या, मुझे लगता है कहीं पर भी 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर की सीवर लाइन डालने का एक असेंबली में काम चालू होने जा रहा है। एक ही असेंबली नजफगढ़ के अंदर 350 किलोमीटर आज ही स्टार्ट कर रहे हैं और काम खत्म करने का भी मैं बता देता हूं, इतना बड़ा काम खत्म करने के लिए पहले 10 साल लगते जी, लगते नहीं लगते, अब एक साल में करके दिखाएंगे आपको। हमने जो मैनहोल बनते हैं ना, पहले मैनहोल एक खोद के उसको ईंटों से बनाते थे, अब की बारी रेडीमेड मैनहोल आएंगे, खड्डा करेंगे, मैनहोल उसमें लगा देंगे और पाइप भी लंबे लंबे पाइप HDPE के पाइप होते हैं वो पाइप डालेंगे और बिल्कुल फास्ट काम करके दिखाएंगे आपको। आपको आश्चर्य होगा कि सीवर लाइन इतनी तेजी से कैसे डल रही है, तो सारा का सारा प्रोजेक्ट एक साल में खत्म कर देंगे। दिल्ली के विकास के लिए केजरीवाल सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं आज नजफगढ़ की 102 कॉलोनियों और 16 गांवों में सीवर लाइन डालने के कार्य का शुभारंभ किया गया है। नजफगढ़ की जनता ने जिन कार्यों के लिए केजरीवाल सरकार को चुना था वो कार्य पूरे हो रहे हैं। जनतंत्र TV के लिए संवाददाता मदन मोहन की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।